हिंदुओं की ये लहर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को बहा कर ले गई है। मारे मारे फिर रहे हिंदुओं को पता चल गया है कि डर के आगे ही जीत है। मजे की बात देखिए कि अब कई देशों में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। चार देशों की तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में इस्लामिक नारे लगाने वाले अब हरे कृष्णा हरे रामा सुनकर भाग गए हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि हिंदुओं ने अपनी आवाज सुनाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया है। इसीलिए कट्टरपंथी और वामपंथी इकोसिस्टम हिल गया है। हैरानी की बात देखिए कि लिबरल और वामपंथी लोग गाजा के मुस्लिमों को तो भाई बता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उन्होंने मौन व्रत रख लिया था। डराने वाली बात तो ये है कि कई लिबरल हिंदू भी हिंदुओं के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। 100 से भी ज्यादा देशों में गाजा के मुस्लिमों के लिए महीनों से समर्थन रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में हिंदू भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। मगर अब अचानक तस्वीर बदल गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फिनलैंड में बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ब्रिटेन और कनाडा में हिंदुओं की ताकत देख अब खालिस्तानी भी परेशान हो गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की संसद में भी हिंदुओं का मुद्दा उठा दिया गया है। जिन हिंदुओं को अभी तक नजरअंदाज किया जाता था, उनकी आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। मजे की बात देखिए कि हिंदुओं की एकजुटता देख बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। शेख हसीना के समर्थकों ने सेना की गाड़ी जला दी। बांग्लादेश के जवानों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ गई है। बहरहाल गाजा के मुस्लिमों को भाई और बांग्लादेश के हिंदुओं पर खामोश रहने वाले लोगों को सीएम योगी का ये संदेश सुनना चाहिए। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते। हम उसको मानते हैं, उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है।